अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल रोहान मॉम किचन। आज मैं बना रही हूँ सीसम फिश फ्राई। कुछ अज्जा आपके सामने हैं और कुछ अज्जा मैं ड्यूरिंग वीडियो आपको बताती जाऊँगी। तो ये पूरी एक फ़िश है और इसमें मैंने डाला है नमक, काली मिर्च, चाट मसाला, हल्दी और ये है ज़ीरा, अजवाइन, कुटी हुई लाल मिर्च, हरी मिर्च कुटी हुई और इसमें अदरक लहसुन, एक लीमू और ये जो है ये धनिया पाउडर है। मैंने फ्रेश धनिया लिया था और उसका मैंने पाउडर बनाया है। तो अभी मैं इन सबको मिक्स करने जा रही हूँ। वन टेबलस्पून धनिया पाउडर, वन टीस्पून जितना भी आपकी मर्जी, जितना आप नमक खाना पसंद करते हैं, वन टीस्पून इसमें काली मिर्च है, वन टीस्पून चाट मसाला, वन टीस्पून हल्दी। वन टीस्पून मैंने इसके अंदर हरी मिर्च कुटी हुई ली, वो पीसी हुई ली है और कुटी हुई लाल मिर्च वन टीस्पून। वन टीस्पून ज़ीरा है और हाफ टी स्पून मैंने अजवाइन ली है क्योंकि इसका तासीर बहुत गर्म होता है और मछली भी खुद तासीर में गर्म होती है, इसलिए मैंने इसको हाफ टी स्पून लिया है। अदरक लहसुन वन टेबल स्पून है। मैं इसमें लीमू डाल रही हूँ, पूरा एक लीमू। मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, मैं इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और फिश पे लगाऊंगी अच्छे तरीके से। बहुत अच्छी और प्यारी खुशबू आ रही है मसाले में से और ये मेरी अपनी पर्सनल रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गाइज़, मैंने मछली को मसाला लगा के मैरिनेट कर लिया था तो हमारी फ़िश अब मैरिनेट हो चुकी है। और ये मैंने ब्रेड क्रम्स लिए थे हसबे ज़रूरत और इसमें मैं वन टेबल स्पून तिल डाल दूँगी, सफ़ेद तिल। इनको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। मैंने एक अंडा लिया, उसको अच्छे तरीके से फेंट लिया और थोड़ा सा हसबे ज़रूरत उसके अंदर मैंने नमक डाल दिया था और अब मैं फिश फ्राई करने जा रही हूँ। पहले मैं इसमें डिप करूँगी, फिर इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाऊँगी। यहाँ पे मैं ऑयल डाल लेती हूँ पैन में। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं और बिल्कुल इस तरीके से पीसेस को उठाइएगा कि उसका मसाला जो है वो उतरे नहीं, अच्छे तरीके से इक्वली सब पे बैटर लगा के।
बहुत मज़ेदार लजीज फिश बनती है ये, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी इन पीसेस को। ये देखिए मज़ेदार सी हमारी फिश फ्राई हो चुकी है दोनों साइड से इक्वली। मैं इनको डिश आउट कर लूँगी। गाइस मछली को सॉस के साथ बनाना है तो ये मायोनीज है। मैंने 3 लंबी हरी मिर्चें ली हैं और 2 जवे लहसुन के लिए हैं। अब मैं इनको पीस लूँगी और पीसने के बाद इसमें डाल लूँगी। गाइस ये रही हमारा सॉस तैयार हो गया है, वाइट सॉस जिसमें मैंने लहसुन 2 जवे लहसुन के और 3 बारीक वाली हरी मिर्चें डाली थी, तो ये बहुत लजीज सा सॉस बना है और हमारी सीसम फिश फ्राई बिल्कुल रेडी है। और सॉस के साथ एंजॉय कीजिएगा ज़रूर और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।